उस पे एहसान करने का कोई जरूरत नहीं है। देखने आए लाइब्रेरी में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी। यस आई इंटर्न सर मैं बताऊ था घर पे पबजी बराबर घर पे देना बाजार है डॉक्टर सार्थक बाजार है। पानी में गया तो फर्स्ट ईयर में प्रिया ने छोड़ा सेकंड में रिया ने और अभी फाइनल्स में तो मैं अब तो किताब नहीं। सर चश्मा दे तेरा इसमें दिखता क्या सर मन है चलता भाइयों मैं भी पास हो गया अरे यार बताना प्रीति से कैसे बात करूं तू उसे रहने दे यार मुझे बता मैं उस कुणाल से कैसे बात करूं वो कुणाल वो हर लड़की के इंस्टाग्राम म्यूचुअल्स में तू को भी रिक्वेस्ट भेज ही देगा। अरे राव मैं करू ले बोर वाईले इंस्टाग्राम वरच्या साऱ्या भारी पोरी भी सपल्या बघून एक काम करतो डावला फोन करतो आयटम नंबर 13 चकुली। हॅलो जेवलीस का माझी लेफ्ट वेंट्रिकल कोणी अरे थोडी जगा खून केले भी रख देते ना बेबी तुम्हें तो पता है हमारा 5 सालों का रिश्ता है सॉरी 7 जन्मों का रिश्ता है। भागो एग्जाम के डेट्स आ गए भागो एग्जाम के डेट्स आ गए। ब्रेकअप ये अगली 7 रातें कैसे कटेंगी उसका पता नहीं और मैं 7 जन्मों की बात कर रहा था। फेक इन्फो थी चिल पैचअप कैरी ऑन फेक। अरे कुछ नहीं हुआ बेबी मैं तो सिर्फ तुम्हारी लॉयल्टी चेक कर रहा था। मैंने तो पापा ने हॉस्पिटल के लिए ली हुई आधी जमीन भी तुम्हारे नाम पे कर दी है। मेरे साथ आ जाओ 7 12 और 7 फेरे दोनों मिल जाएंगे हम आग विषय का बाप साहूकार है आपला। ले भाई एग्जाम के डेट सच में आ गए पढ़ना शुरू कर दे वो नहीं आएगी तेरा पेपर लिखने। ब्रेकअप नहीं अब तो तलाक होगा। अबे भाई क्या कर रहा है यार तू सबको डरा के रखा है और वो बिचारे का दो बार ब्रेकअप करवा दिया। हाँ तो सही तो कहा वो थोड़ी ना आएगी वो तो पास हो जाएगी इसका क्या। रिलैक्स बॉयज रिलैक्स इस पहले का जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन? वो जिसे टीचर का शेड्यूल उनसे पहले ही पता होता है वो जो हर स्टूडेंट का मसीहा है और वो जिसे हर गली की सिमसिम पता होती है। भाई ये कौन है? अरे रुको मैं उसको कॉल ही करता हूँ। हेलो दादा कुटा है तू? हेलो दादा सुना है एग्जाम्स के डेट आ गए? आ गए ना पढ़ाई चालू करने ना कर तो करते। हेलो चैनल वेलकम टू माय गाइस। ए उल्टे अबे तूने उल्टा बोल दिया। ओ सॉरी। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है नेशनल ज्योग्राफिक मेडिकल प्लैनेट और आज हम देखने आए लाइब्रेरी में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी। कुछ बस एग्जाम सीजन में चमकते हैं तो कुछ साल भर पढ़ाई करते हैं। तो आओ गाइस सबका इंटरव्यू लेंगे। हेलो मैम आई वॉज थिंकिंग दैट इफ आई कुड आस्क यू सम क्वेश्चंस फॉर योर इंटरव्यू आई विल मेक यू फेमस। या श्योर बट इंटरव्यू मैं लूंगी चलेगा। अरे न्यू कंटेंट। ओके टेल मी 2020 में कहाँ थे तुम लोग? 2020 में तो लॉकडाउन था घर पे पबजी। बराबर घर पे थे ना तो टिकटॉकर बन जाते। यहाँ MBBS में क्या करने आ गए? हाँ यहाँ एग्जाम सर पे नाच रहे हो और तुम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हो। निकलो यहाँ से सस्ता सौरभ जोशी कहेंगे। इतनी बेइज्जती तो एक्सटर्नल एग्जामिनर ने भी नहीं की।
छोड़ो। हेलो मैम, क्या मैं आपको एक रील में ले सकता हूँ? सो दैट आपको बहुत फेमस कर दूंगा। कैसा है, हमारे रील्स एक्सटर्नल एग्जामिनर भी देखते हैं, आपको वाइवा में हेल्प हो जाएगी। 200 फॉलोअर्स में तो मुझे क्या फेमस करेगा, पहले अपने आप को फेमस कर ले, चल आगे बढ़। भाई यहाँ भी बेइज्जती कर दी, इसको क्या पता 1 मिलियन की रीच है अपनी। 1 मिलियन है भाई हमारे, 1 मिलियन। देख ये नया दिख रहा है, इसकी लेते हैं क्या वीडियो। वीडियो सर 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 सर, बस एक वीडियो सर सर। अरे इसे ही तो डेडिकेशन कहते हैं, यही तो हमको हमारे चैनल पे दिखाना था। टॉप एंगल ले, टॉप एंगल ले, देखो गाइस इसे, अरे चढ़ना नहीं है, टॉप एंगल लेना है सर। बस एक वीडियो, एक एक बस एक। भाई साहब ये क्या पढ़ रहे हो आप, बेलियन लो सर? हमारे यहाँ सर्जरी के लिए बस मणिपाल पढ़ते हैं, ये क्या बेली बिस्लरी पढ़ रहे हो आप? तू क्या देख रहा है? अरे सॉरी सर, अरे सॉरी सर, सॉरी सर। और फिर आते हैं अपने इंटर्न बैच, जिनका अब सिर्फ एक ही मकसद है, न्यू जूनियर्स आई मीन लड़की जूनियर्स की सो कॉल्ड हेल्प करना। ओ पप्पा हेलो, हाँ आता झाला की बाजार, डॉक्टर झालेत की आता, हाँ पांदा की 5 बेडचं हॉस्पिटल, इंजेक्शन मारायला चालू करतोय आता आपण। होय होय, यू कॅरी ऑन, आय विल कम, बाय। होय होय सर 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 सर, तुम्ही इंटर्नच नाव? येस या, होय आय इंटर्न, आय इंटर्न। सर मी फर्स्ट इयरचा आहे, माझी एक्झाम आहे, मला काय इम्पॉर्टंट द्या ना। इम्पॉर्टंट पाहिजे, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सर। ते सगळं सोड भावा, ती पोरगी दिसते का तुला? कोणती सर, ती छोट्या केसांवाली? होय होय दॅट इज दॅट, तिचा नंबर काढून दे की मला, पवा पार्टी देतो तुला। सर ती लय हाय फाय आहे बरं सर। होय आकडूचा हाय मी, वॉटर पार्क आहे आमच्याकडे, वॉटर पार्क आहे आमच्याकडे, वॉटर पार्क। सर ठीक आहे, सॉरी सर, सॉरी सर। हाय जा जा, देतो तुला। सर मी नंबर देतो, तेवढे इम्पॉर्टंट द्या ना। हो देतो, चल चल निघ, हा देतो देतो, इम्पॉर्टंट सर, इम्पॉर्टंट, चल निघ चल। येस येस, आय विल कॉल यू लेटर, या बाय। होय इन जूनियर आहेस ना तू? तुमसे मतलब? आय इंटर्न बाजारे, डॉक्टर सार्थक बाजारे। ओ माय बॅड, सॉरी सर। अगं बॅड बॅड काय नसते ग, सुंदर दिसतेस की तू। आय बैंगन, तुझं नाव काय आहे ग? ईशा पाटील। आकडूची आहे का तू? नोप्स, मुंबई, द सिटी ऑफ वडापाव। यू ईट वडापाव, यू वॉक वडापाव, यू टॉक वडापाव ना? आय ओनली मर्डर भजी। काम डाऊन ईशा, काम डाऊन, इंटर्न आहे। अरे ते सगळं सोड, आय लिसन, तुमच्या एक्झामच्या तारखा आलत ना? यू लिसन करेक्ट सर। हा तुझा नंबर दे की रात्रभर इम्पॉर्टंट डिस्कस करू। टॉपर है मी माझ्या बॅचचा, आय टॉपर फ्रॉम माय बॅच फ्रॉम लास्ट। आय डोंट यूज फोन सर। अग मग पप्पांची फोनवरून कसं बोलतेस? हा पीसीओ तर कधीच कोल्हापुरात बंद झाले। आय हॅव फ्रेंड्स सर, यूज देअर फोन्स। एक काम कर, हे घे माझं ओळखपत्र। व्हाट? अग व्हिजिटिंग कार्ड ग, यात माझा सॅमसंगचा नंबर आहे, मेड इन आकडूच। ओके बट आय डोंट यूज फोन सर। अग मैत्रिणीच्या फोनवरनं कॉल कर की, मी सगळ्यांचे फोन उचलतो, हो पण सोडत नाही मी। ओके सर। ते सगळं सोड, जाऊया की रणकाळ्याला मस्त आमच्या मरीन ड्राईव्हवर वडापाव खायला, मस्त पाण्यात टाकून असं छपक छपक करूया की आपण पाण्यात? ते तिकडे ब्रेड देतात। अग मग मी घेऊन येतो की तुझ्यासाठी, पावाची लादीच घेऊन येतो मस्त। ओके दे जाऊ दे, माझ्याकडे ना स्प्लेंडर आहे, आपण जाऊया की मस्त पन्हाळा मसाई फाटार सगळं सगळं फिरायला। गौरी डायनिंगचं काळं मटन मस्त मिळते की तिकडे? चायला हिला करपलेली मेथीची भाजी द्यायला पाहिजे, कोल्हापुरात कशी जगती? यू सेड समथिंग। हा नथिंग नथिंग, ए कॉल मी रात्री। ओय आमची मुंबई, बाय बाय। मेडिकल अँड साफ
goes hand in hand. और ये जो पढ़ के धोखा देते हैं ना, सबसे महान. भाइयों बहनों, थोड़ा आगे पीछे मुड़ के देख लो, क्या पता कोई डसने को रेडी हो. कौन है? अरे मैं हूँ, चिल मार. अच्छा तू है, तो किसका चुराया? मैं तो पूरे सीविंग का लेके आई हूँ. क्या बात कर रही है यार. अच्छा ये बता, अगला प्लान क्या है? अनीशा शर्मा के खाने में इसबगुल डाल दिया है. वेल प्लेड चिन्मयी. वही मैं सोचू, सेकंड फ्लोर के बाथरूम से बाथरूम पूरा ऑक्यूपाइड क्यों था? नेक्स्ट टारगेट प्रिया माथुर. एक फोन पानी में गया, छपैक. दूसरा फोन पानी में गया, छपैक. तीसरा फोन वहां. कौन है? कौन है वहां? ए कौन है? लाइट कहां गई? ए ए, तुम लोग इतने अंधेरे में कैसे पढ़ाई कर रहे हो? यार अंधेरे में पढ़ने से अच्छा था तुम लोग सो जाओ. ये लाइट कैसे आ गई वापस? आइए देखते हैं ये क्या पढ़ रहे हैं. ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ रही है. ये तो बिल्कुल नहीं आता. नी जॉइंट, ये तो कतई ही नहीं आता. कैरोटिड ट्रायंगल पढ़ रही है. ये तो पढ़ी मत, कभी भी नहीं आता. सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम भाई, फिफ्थ पार्ट पढ़, ये हमेशा आता है. ये तो पिछले 5 सालों से नहीं आया क्वेश्चन. अरे मेरी बहन, सीनियर्स का तो भरोसा रख, सीनियर्स ने बोला है वो तो जरूर आता है. यार एक काम करते हैं, इनको ना पढ़ने देते हैं, हम एक काम करते हैं जाके मस्त पिज्जा ऑर्डर करते हैं और खा के सो जाते हैं. वही ना यार, कल फ्रेश मूड में पेपर लिखेंगे. छोड़ इनको. रुको यार, मैं भी आती हूँ तुम लोग के साथ. बाद मिलियो. चलो मैं आता हूँ. हाय स्वीटी, क्या कर रही हो? आंखें खराब हो गई है क्या? दिख नहीं रहा, पढ़ाई कर रही हूँ. तुम्हारी तरह तितली के साथ गुलू गुलू नहीं. वी आर जस्ट फ्रेंड्स रे. वो तो बटरफ्लाई है जो मुझे बटर लगाती है. वैसे मैं कितनी कोशिश करता हूँ उसे भगाने की, पर वो तो उड़ती ही नहीं. क्या पर, तुम कोई गुलाब हो जो तितलियां सिर्फ तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है? यार तुम्हें तो पता है ना, मैं वैसा हूँ नहीं. वो तो लड़कियाँ खुद मेरे पास आ जाती है. मैं थोड़ी अपने उस सीनियर के जैसा हूँ जो सबसे रिजेक्ट हो बैठा है. कितनी खुद की तारीफ करते हो यार, बस हो गया. वैसे कौन है वो सीनियर? अरे वो जो अपने पीछे बैठा है. अरे आगे देख. अरे भैया आप, मैं तो अपनी बंदी को बस आप ही के बारे में बता रहा था कि आप कितने टैलेंटेड हो. चल आगे देख. सॉरी भैया. कहाँ से आ जाते हैं यार ये? बाय द वे, तुम्हें इतनी जानकारी कहाँ से मिली? इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछूंगी तो बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस है. पढ़ाई छोड़ रे, डॉन कभी अभी ने सीनियर्स का रिजल्ट नहीं बोलता, चाहे वो एकेडमिक हो या रिलेशनशिप. ओए होए मेरे छोटे, आई मीन क्यूटी डॉन, क्यूटी डॉन. गुड गर्ल. पर वो देख यार, कैसे किताबी कीड़ों की तरह किताबों में लिपटा पड़ा है. और मुझे देख रफ्तार, मैं उड़ना चाहता हूँ पायल, मैं दौड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी बाहों में गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. बहुत ज्यादा चीज़ी हो गया ये. आई नो, पर पीछे वाले से तो बहुत बेटर है. यार क्या है यार, पढ़ाई करने दो यार. सॉरी सर. तुम अपना वॉल्यूम लो नहीं रख सकते क्या? हम लाइब्रेरी में हैं. एग्जैक्टली, हम इतनी देर लाइब्रेरी में कर रहे क्या है? एग्जाम्स है एग्जाम्स. यार पूरे दिन तो पढ़ लिया, चल कहीं घूमने जाते हैं.
वैसे एक बता ना, ये जो सीनियर है ना, इनकी शक्ल देख के लगता नहीं है इतने गिरे हुए हो सकते हैं। गिरे हुए? इस बंदे ने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रस्ते पे गिरा के रोड रोलर चला चुका है। बेरा नहीं, सुन रहा हूँ। सॉरी बाबा, I mean, सॉरी भैया, सॉरी सर, वो बस मूवी की याद आ गई। तुम अभी कुछ तो कह रहे थे ना बाहर जाने की बात, मैंने हाँ, सुना। चल यार, कहाँ जाना है? हेवेंस या निश? भूख तो लगी है। Why not, let's go somewhere. चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो तेरा अभी हाल इसके जैसे हो जाएगा। इसे तो फर्स्ट ईयर में प्रिया ने छोड़ा, सेकंड में रिया ने, और अभी फाइनल्स में तो मैरो एरो बन के। अरे भैया भैया भैया, बहन चुपचाप पढ़ ले, नहीं तो तेरा भी एक दिन कट जाएगा। Yes. यार भाइयों, मुझे थोड़ा तो डाउट हो रहा है, ये तो जो लड़की है ना सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, कुछ ना कुछ तो पक्का खिचड़ी पका रही है। एक बार चलते हैं, देखते हैं दिमाग में है क्या इनके। यार चिन्मयी, तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तेरे बिना ना ये सब चोरी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। अरे अब देखते हैं, देखो जीएस बनने से कौन ही रोक सकता है। जीएस जीएस ये बनेगी जीएस, गधी की बच्ची उल्लू की पट्टी। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन एक आंसर पेज पे लिखी थी, मैं पूरे चार पेजेस यूज करी थी, पूरे चार, वो भी आगे पीछे। अरे नहीं मेरी जान, जीएस तो तू ही बनेगी, तेरी इंटेलिजेंस का ना कोई जवाब ही नहीं है। जीएस ये बनेगी जीएस, गधी की बच्ची। इसने ना इसके इंटर्नल्स में पूरे 2 नंबर कमाए थे मुझसे, पूरे 2 नंबर। ये बनेगी जीएस। अरे छोटा यार, कल का कल देख लेंगे, जो होगा सो होगा। ठीक है यार, कल का कल देख लेंगे। चल बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। एग्जाम के एक दिन पहले जो सीनियर्स आपको आके मार्किंग्स देके जाते हैं ना, वो भगवान के रूप से कम है क्या? मगर क्या सारे सीनियर्स भगवान का रूप होते हैं? हे भगवान, एक दिन में एग्जाम है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, क्या होगा मेरा? मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है, मैं तो अभी गई बस। सेकेंड ईयर क्या? हाँ सर सेकेंड। अरे कल से तो तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ सर कल से एग्जाम है। कैसी हो रही है प्रिपरेशन? कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ सर। अरे ये एग्जाम का इतना लोड नहीं लेते, सब चिल रहता है, लाओ इधर में मार्क करके देता। हाँ सर। आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन तो छोड़ ही दो, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये भी मत करो, और ये वाला तो देखो, ये आज तक इन लोगों ने कभी पूछा नहीं है, मेरे को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता है, तो क्या ही बचा? 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन कर लो, आराम से पास हो जाओगी। लो, थैंक यू सो मच सर। बॉयज हॉस्टल और पढ़ाई, लॉल, वो तो अब श्री राम जी के भरोसे हैं। वो कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। एग्जाम सीजन ससुर आया, एग्जाम सीजन अब तो किताब निकालो। आया एग्जाम सीजन ससुर आया, एग्जाम सीजन
लाइब्रेरी में कपस देखकर मेरा मन है जलता, भैया मेरा मन है जलता। एंजाइटी बस आवे, डिस्ट्रैक्शन भी सतावे, कष्ट ना मिटे मन का, भैया आया एग्जाम सीजन। रोटी डाइगेस्ट्रिक एंटेरियर ट्रायंगल फीमोरल पोस्टेरियर सब है डिफिकल्ट, हाइपोक्सिया पढ़ते पढ़ते हो गया है डिमेंशिया, सीनियर के मार्किंग से फर्स्ट ईयर निकाला, जोरी की सारी वीडियो देख डाला, फिर भी एग्जाम में कुछ याद ना आ रहा, आ रहा है तेरा प्यार। आखिर आ ही गया वो दिन, वो घड़ी जिसका था सबको इंतजार, वो पल जब सारे फंडे सारे जुगाड़ कुछ ना काम आता, रह जाता तो सिर्फ आप और आपकी किस्मत। हेलो, अरे बड़ी खुश दिखाई दे रही है, सब पढ़ लिया क्या तूने? अरे पता है कल क्या हुआ ना, मुझे तो एक सीनियर मिले थे, उन्होंने मेरे को सारे इंपॉर्टेंट मार्किंग्स दे दिए, तो मैंने तो सब पढ़ लिया, मेरा तो सेट है, मैं बस पास होने वाली हूँ भाई। कौन से सीनियर, मुझे भी तो बता। अरे वो है ना जो हाथ में कड़ा पहनते हैं, गले में सोने की चेन पहनते हैं, लंबे से हैं, वो कबीर सिंह जैसे चलते हैं ना, वो Get the man with the plan right here. Swing it swag with a man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Get the man with the plan right here. Swing it swag. वो तो केसी भाई हैं, वो 7 साल से सेकेंड ईयर में है, अभी हमारे साथ एग्जाम देंगे। क्या MCQ, द गेम चेंजर, जो लिखते तो सिर्फ वो 3 है जिनके भरोसे पूरा बैच पास होता है, क्योंकि भाई सुनना, बस MCQ के 20 मार्क्स संभालना प्लीज यार, बाकी मैं लिख लूंगा, बस 20 मार्क्स प्लीज, हाँ दिखा देना यार। ओके, नाउ यू हैव 30 मिनट्स फॉर योर MCQs, डोंट डे टू कॉपी, स्टार्ट योर MCQs। हाँ क्या हुआ, 2 तो गोली मार, 7 साल से इधर उधर, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होगा ना, 2 तो गोली मार, क्या इसके लिए वेट कर रहे, ये भी तेरा बैचमेट ही है। ए ये 2 क्या क्या, पानी पानी पानी, 2 गोली नहीं मारी अभी तक, तेरे को पानी चाहिए, फिर पूछना सर सुसु, लेख चुपचाप तेरा पेपर। अभी तेरा क्या, ए क्या, ए क्या, एसी चालू है, पंखा चालू है, फिर भी तेरे को गर्मी हो रहे, लिख ले तेरा पेपर, चुप अब, सोमवार इंडियन पेपर, रुक ले, आई सर सर, ए क्या क्या पूछ रहे इसको, इफ यू डोंट राइट योर ओन पेपर आई विल पुट यू लाल टप्पा, राइट योर ओन पेपर, सॉरी सर। किधर है तेरे ओएमआर, किधर है तेरे ओएमआर, किधर है तेरे ओएमआर, किधर है, तुम लोगों ने किसी ने लिया क्या इसका ओएमआर, किधर है तेरा इसके, सॉरी सर, दो ओएमआर कैसे तेरे को, अबे दो ओएमआर कैसे, किसी ने दिया इसको आके एक्स्ट्रा ओएमआर, फिर दो ओएमआर, रोल नंबर क्या है तेरा, रोल नंबर क्या तेरा, भूल गया, तेरा आईडी कार्ड 18, फिर 17 का क्यों है यहाँ, चल तू आज चल निकल, तू हो गया तेरा। ओके योर MCQ गॉट ओवर, नाउ यू कैन स्टार्ट योर राइटिंग थ्योरी पेपर, यू हैव 2.5 मिनट्स, 2.5 आवर्स फॉर योर थ्योरी पेपर,
And one more time I'm saying, don't dare to copy. Okay? He is in front of her. He or no, if you dare to copy, I will debar you now. Oi! उसको क्या देख के लिख रहे तू चुपचाप तेरा पेपर लिख ले यू सीम्स टू बी टॉपर ऑफ द बैच बट राइट योर ओन पेपर उस पर एहसान करने का कोई जरूरत नहीं है अदरवाइज यू विल बी अंडर ट्रबल राइट योर ओन पेपर लिख लो फिर से शांति से बैठे साहब हाँ डेढ़ घंटा हो गया पेन में इंक नहीं है क्या लिखने के लिए लिख ले डोंट स्टेप फ्रॉम हियर नाउ इफ यू वांट टू चेंज योर पोजीशन इफ यू वांट टू चेंज योर सिटिंग पोजीशन गो एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर इन चार्ज भाई मेरे को भी बता अबे रुक रुक भाई इंजीनियर उधर है अबे रुक भी बता रुक 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 भाई मेरे को भी बता रुक सर 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 सॉरी सर सॉरी ये क्या है सॉरी सर सर सॉरी सर सर चश्मा दे तेरा इसमें दिखता क्या सर ये माइक्रो माइक्रो स्क्वायर जेरॉक्स है सॉरी सर क्या दिखेगा इसमें आजा सर सर आ जा तू सर सर आजा सर सॉरी सर कुछ नहीं है सर आजा सर कुछ नहीं है सर सर कुछ नहीं है सर 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 सॉरी सर 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 पूरा बुक छाप के आया क्या सॉरी सर इतना मेहनत तू पढ़ाई में लगा दे तो अभी तो आराम से आंसर लिख देता सॉरी ये क्या है और चिट्स बता नहीं है सर, नहीं है सर नहीं है सर अगर एक भी चिट मेरे को मिला तेरा अभी घर पे कॉल जाएगा सर घर पे सर नहीं है सर 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 किधर सर सॉरी सर सर नहीं है सर किधर सर 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 ये देख सर ये क्या है रे हाँ चीट है क्या डीमार्ट का बिल क्या है किरा ऑलमोस्ट तेरा आधा हाइट का है इतना ये क्या अभी नाम बता तेरा सर नहीं नाम सर, नाम सर, क्या सर सॉरी सर नाम क्या आईडी कार्ड आईडी कार्ड सॉरी सर ओम गायकवाड हाँ ओम गायकवाड हाँ तेरा नाम सर अभी पापा का नंबर बता सर पापा को नहीं सर नंबर बता पापा का सर सर नंबर बता पापा का पापा को नहीं सर सर प्लीज सर प्लीज सर सर प्लीज सर मांगू क्या अभी सर प्लीज सर 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 पापा को नहीं सर प्लीज हेलो मिस्टर गायकवाड हेलो आपके बेटे ने क्या किया है इधर ए एग्जाम के यूनिवर्सिटी एग्जाम पे चीट लेके आ गया नहीं नहीं ते हाथापालीकडे गेले देख लो इनका अभी आप ही हम हमारे हाथ में अभी कोई नहीं है हाड़ा तेला हाड़ा पकड़ा तेला सॉरी पप्पा सॉरी सॉरी ती माझी नव्हती हो ती खाली टेबल खाली पडलेली होती राइट योर ओन पेपर नाउ फिर आता है वो खौफनाक समय जब स्वयं यमराज सबके सामने आते हैं ऐसे भागते भागते आते हैं कि उनका सांड भी पीछे छूट जाता है मौत का फरमान दवाई वाया जिसमें जितना भी गाइट एंड ग्रेस पढ़ लो काम सिर्फ दो ही मंत्र आता है मान लो बात सॉरी मैम सॉरी सर रूम वन एनाटॉमी गुड मॉर्निंग मैम मॉर्निंग पिक वन व्हाट इज दिस मैम बोन बोन अच्छा यस मैम थैंक यू बताने के लिए व्हिच टाइप ऑफ बोन इज दिस मैम दिस इज सैक्रम सैक्रम गुड टेल मी अबाउट द बोन देखने में तो बहुत अच्छा है जरूर नया है व्हाट अबाउट द बोन मींस टेल मी अबाउट द बोन्स पोजीशन सिचुएशन रिलेशंस ओके फॉरगॉट होल्ड इट इन आर्टिकुलर पोजीशन शो मी
मैम। हाँ कटोरा है क्या? नहीं पटाएगी ना, इसी में भीख मांगना पड़ेगा। सॉरी मैम। ओके शो मी द सिचुएशन इन द बॉडी। मैम सैक्रम। यस मैम। ओके अब वहां रख ही दिया है तो मसल इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन बताओ चलो। यस मैम। मैसेटर। गुड। ग्लूटियस मैक्सिमस। नहीं सॉरी मैम ग्लूटियस मास्टिकेटर। वाह आपने तो नया मसल इन्वेंट किया है। हाँ सॉरी मैम। नहीं सॉरी क्यों, आपने तो हमारे ज्ञान में इजाफा किया है। एक काम कीजिए नाम दे दीजिए, आपका पेपर ही पब्लिश करवा देंगे। सॉरी मैम। यू पिक वन बोन। मैम दिस इज फीमर। फीमर? यस मैम। श्योर? यस मैम। शो मी द सिचुएशन। मैम यहाँ होता है मैम। फीमर यहाँ होता है? हाँ मैम। तुमने उठाया ह्यूमरस है, बताया फीमर है, रख ह्यूमरस की जगह रही हो, इतना कॉम्प्लेक्स तो इंसेप्शन भी नहीं था। सॉरी मैम। ओके ये ह्यूमरस है। हाँ नाउ टेल मी अबाउट द बोन। याद नहीं आ रहा मैम। कुछ भी याद नहीं आ रहा, रिलेशन से बता दो। तो कुछ बताया उसने? मैम मैं तो डर गई ना मैम, मैं तो बस याद कर रही थी। याद कर रही थी तो कुछ याद आया? मैंने बस हेडिंग पढ़ा था मैम, अंदर का कंटेंट तो सब भूल गई। हेडिंग से तो पढ़ते हो तुम लोग, कंटेंट तो हमारे लिए छोड़ देते हो। सॉरी मैम। एक बात बताओ कौन से बुक से पढ़ते हो? मैम वो फॉरेन ऑथर है ना मैम, क्या नाम था? बीडीसी। गाइडेनहॉल मैम। गाइडेनहॉल? यस मैम। एनाटॉमी? यस मैम। कौन से चैप्टर में है गाइडेनहॉल के? मैम इतना मोटा बुक है, चैप्टर नंबर कैसे याद रखूं मैम। हां बराबर, इंटरनेशनल ऑथर है ना। हां मैम। फिर फिजियो कौन से बुक से पढ़ती हो? मैम वो फिजियो थोड़ा हार्ड जाता है ना, तो वो इंडियन ऑथर है ना, सत्यनारायण मैम। हां टॉप करोगी, टॉप करोगी। थैंक यू मैम। ओके एक्सरे दिख रहा है? मैम मुझे ना पीजी में रेडियोलॉजी करना है, तो मैं रेडियोलॉजी अच्छे से पढ़ के आई हूँ, तो इसका आंसर मैं दूंगी। गुड। देखो वो रेट सकल दिख रहा है, उसे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। मैम वो तो ओवरी है। ओवरी? यस मैम। फैलोपियन ट्यूब भी दिख रही है। दिख तो रही है, तुम लोग का फ्यूचर एकदम एक्सरे की तरह है। फीमर के हेड को ओवरी बोल रहे हो, कुछ भी पढ़ के तो आते नहीं हो। लास्ट क्वेश्चन, शो मी इनवर्जन एंड इवर्जन। चलो शो मी। रूम टू फिजियोलॉजी। यार कौन सा प्रैक्टिकल मिला तेरे को? कौन सा है? जनरल एग्जामिनेशन। तुझे? यार मेरे को नी जर्क दिया है। क्या होता है वो? यार नी जर्क इतना पता था कि कुछ तो मारना रहता है, अब कहाँ मारना है क्या मारना है कुछ नहीं पता। नी ये है तो इधर ही मार दे। और मार के करवाना क्या है? पैर ही हिलता होगा, क्या ही करना है। तो मामा को पटा लूँ क्या उसके लिए? पटा ले। अरे मामा। दमाना। सुनने में आया आप एग्जामिनर बनने वाले हो? हाँ ते मैडम बसवन गेले आहेत कधीपासून, भूक लागली आहे मॅडम। तो हमको हमारे सीनियर्स से बताया था आप पैसे पास होने में हेल्प करते उनको। ए, गफला ना करायचा बाबा। गफला नहीं बस समाज सेवा। बस आप मेरे को हेल्प कर दो, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। असं काय? हाँ काय करायचं? मैं देखो ये हैमर रहता है, हैमर मैं बस आपको मारूंगा। ये कुठं मारायचं? मारायचं जरूरत नाही, सुनो तो सही, प्यार से मारूंगा। बस आप अपना ऐसा पैर हिला दे रहा बस। हाँ जमते ए जाते मैडम। नमस्कार मैडम। आई सॉ व्हाट यू डूइंग, पिक अनदर चिट। व्हाट डज इट से? मैम बाइसेप्स जर्क। ओके गो अहेड डू इट, आई एम वॉचिंग। बसा की मैडम? मामा मध्ये मध्ये बोलू नका।
Do it quick. We don't have all the time in the world. What are you doing? Is your bicep in your leg? Is your bicep in your leg, mister? No, ma'am. Useless. Cannot even do anything right. Get out. Hey, doctor bandaila aliya. Mama gappa basa. Mulanchi madat karayla jayche na hecha padun. Send the next one in. Sorry, madam. Good morning, ma'am. Morning. What does it say? Ma'am, general examination. Are what exactly in general examination? Edema, edema. Go ahead, perform it. A stetho, a stetho. No, ma'am, no, no, you no. Need a stetho for edema? No, 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 ma'am, no, no. Doing, doing. Do it rightly. Do it. I love madam, kya karta hai? What is wrong with you? What is wrong with you? That is where you check edema. Ma'am. That is where you check for edema. Ma'am, I'm doing. Ma'am, doing. Last chance. Do it right. Bye, bye, madam. Bye. Bye, bye. Bye. Oh, ma'am. Oh, madam. Are not even that will save you. What are you doing? Not even that will save you. Pick one. Ma'am. Yes. Ma'am, I can't. I said pick one. Madam, why can't I hear you speaking? What are you doing? Ma'am, mama ne khate vakt baat karne se mana kiya. Are I am asking you to pick a cheat for your viva, your physio viva. Madam, me khau. Mama gappa basao, mulanche viva challe, tumhala disat nahiye kay? Theva te khali, sarat rahta hai sarkha divas ratra. What does it say? Ma'am, ye question yahan pe kyu aa gaya? What does your cheat say? Ma'am, it is clubbing. Explain it. Define it for me. Ma'am, wo jo daru aru peeke nachta hai na, usko bolta hai clubbing. The audacity, the sheer audacity to say it in front of an examiner. Out. Ma'am, sorry. Out. Ma'am. Do you need me to spell it out for you? Ma'am. Out. Yeah, pan ashats. Mama, agli baar aapne madad ki na bachcho ki. Aao madam, te pure to. Ashe doctor mannar aaple doga na udi khalavi lagel. Asso. Sorry. Useless. तुम्ही पण त्यांच्या सारखे. नाही झालं. नाही झालेला. हॅलो हॅलो. हॅलो. रूम 3. फार्मॅक. गुड मॉर्निंग सर. गुड आफ्टरनून. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पढ़ काय हो गया? यस सर. हां सर पढ़. क्वेश्चन पूछो. यस सर. गोलियां खाते हो? हाँ सर. रिश्तेदार और घर वाले रोज सुबह शाम देते रहते. अरे गालियां नहीं गोलियां बोल रहा हूँ. हाँ हाँ सर वो भी क्योंकि घर वाले डॉक्टर्स है. ठीक है ठीक है. पागल. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बताओ. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बीटा ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एसी इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड द एग्जांपल्स आर मेटाप्रोलोल प्रोपेलोल. ठीक है तू बता. सर क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन पूछेगा तू मेरे को? हाँ सॉरी सुनता नहीं आता क्या? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बता चल. सर मोस्टली यूज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज लॉल. हाँ लॉल. लॉल क्या लॉल? हाँ तेरे एग्जाम पेपर पे लॉल लिख दूँ क्या? सर एग्जांपल पैरासिटामोल. पैरासिटामोल. यस सर. क्या बता रहा है यार? हाँ आता तो कुछ नहीं है यार. सॉरी चले आते हो एग्जाम देने के लिए? सॉरी सर. सॉरी फिर सॉरी बोलते रहते हो यार. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बताओ. एक मिनट सर. हाँ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड एंड एक्सेट्रा. एक्सेट्रा चार ड्रग है फर्स्ट लाइन में. वो भी पाठ करने के लिए नहीं आते तुझे? सॉरी सर. तू बता. सर सेम क्वेश्चन. तेरा प्रॉब्लम क्या है यार? सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन. सॉरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बताओ. सर मोस्टली यूज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज डोलो 650. डोलो 650. यस सर. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है? यस सर. कहां
कहाँ से पढ़ा है तूने? सर बुक में पढ़ा है, फार्मेक के सर। कौन सा बुक पढ़ता है तू? सर केडी शानबाग नाम का बुक है ना सर। केडी शानबाग नाम का कौन सा बुक सर? है? नया एडिशन आया है सर उसका अभी। नया एडिशन आया है सर, 15th एडिशन है सर शायद। चल मुझे कलर बता, मुझे भी खरीदी करना है वो सर। केडी शानबाग का? हाँ सर, वो पेल येलो कलर का है ना सर। पेल येलो कलर का केडी शानबाग नाम का कौन सा बुक है सर? न्यू एडिशन है। रुक जा तू, इसको देख सर। रोज देखता हूँ सर उसको। अरे उसको पढ़ाई को देख, उसको मत देख। हाँ सर। एंटी डायबिटिक ड्रग बता सर। एंटी डायबिटिक ड्रग पस कर दे। बताओ। एंटी डायबिटिक ड्रग आर मेटफॉर्मिन, एक्रोबोस, वोग्लिबोस। ठीक है, आता है तेरे को? यस सर। सच पक्का, में पक्का आता है सर। हाँ, क्या है बता सर? एंटी डायबिटिक ड्रग इज इंसुलिन। इंसुलिन? यस सर। यार करेक्ट बता दिया सर। सर वो मेरे काका रोज लेते हैं सर। यार काका को धन्यवाद बोल सर। कैसे देते रहे इंसुलिन सर? प्रैक्टिकल दिखाओ। हाँ ठीक है सर, एक मिनट आ जाओ ना इधर। अरे बाप रे, प्रैक्टिकल भी दिखा रहा है सर। उस तरफ देखो ना सर। सर उस तरफ। सर सॉरी, क्या कर रहा है सर? वो भैंस को ऐसे ही देते हैं, मैंने देखा था सर एक बार। भैंस को ऐसा देते हैं इंसुलिन? सॉरी। चलो नंबर बताओ अभी। 29। तुम्हारा बताओ सर? 9468151। अरे मोबाइल नंबर नहीं यार, मोबाइल नंबर मत बताना सर। फिर मुझे तेरा रोल नंबर बताओ सर। इसके पीछे ही तो बैठता हूँ सर। रोल नंबर बता। तेरा क्या है? 29। सर मेरा 30 है सर। 30? यस सर। ठीक है, 6 महीने के बाद सर। 6 महीने के बाद सर। सॉरी सॉरी नहीं सर, सॉरी सर। गेट आउट सर। सॉरी, गेट आउट बोला ना। गेट आउट सर। गेट आउट, गेट आउट सर। मी तेरा तो हो गया, तुम जा। रूम 4 FMT। मैं आया। कम इन सर। हाँ हाँ आ जाओ। पढ़ के आए हो? हाँ सर, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर FMT। अरे वाह, बहुत मजा आता है। फिर सब कुछ आता होगा तुम लोगों को? हाँ सर, आप पूछ लो। ये पूछ लो, पूछ सब आता है हमें। अच्छा ठीक है, तो डिफाइन स्टैब वुंड्स। सर सर सर, मैं बताऊंगा सर, मेरे को सब आता है ठीक से। बताऊँ सर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो स्टैब वुंड्स। प्रैक्टिकल नहीं करना है, डेफिनेशन। अरे सर डेफिनेशन ही बता रहा हूँ। स्टैब वुंड इज टेकिंग रामपुरी इन हैंड, खचाक खचाक छपाक, यही होता है सर। तू क्यों डर रहा है? तू तो दोस्त है उसका। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता ये सब। और वो नीचे रखो, पहले नीचे रखो। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके घूमते हैं, रामपुरी नहीं। अरे सर ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। वो क्या है ना, 2 दिन पहले ना मेरा जूनियर्स के साथ लफड़ा हो गया था, तो इसीलिए रखना पड़ता है। जूनियर्स के साथ लफड़ा? हाँ सर, वही जो अभी इंटर्न बैच है ना अपनी, वो जूनियर्स ही है मेरे। इंटर्न बैच जूनियर से? अरे सर ये केसी भाई है, 7 साल से एक ही बैच में। अब तो पास होना ही पड़ेगा सर, थाला फॉर ए रीजन। ठीक है चलो बैठो, अब कोई प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। ठीक है, लीड पॉइजनिंग बताओ। वो तो नहीं आता सर। तुमने तो बोला था तो सब कुछ आता है सर। ये छोड़ के बाकी सब आता है। अल्कोहल पॉइजनिंग? सर मैं बताता हूँ सर। क्या बोतल लेके आया है क्या? वो तो कार में है सर, अभी बस एक आंसर दे देता हूँ। हाँ बताओ। ठीक है, तो अल्कोहल पॉइजनिंग, सबसे पहले अपन लेंगे एक ग्लास। ग्लास में डालेंगे 45 ml रॉयल स्टैग, 60 ml पानी और 2 ice cube टपक। पैक बन गया सर। अरे क्या क्या है ये, क्या है ये, क्या बोल रहा है भाई तू? MBBS में कुछ स्टैंडर्ड रख, रॉयल स्टैग क्या है? कम से कम ब्लेंडर स्प्राइट तो बोल। ठीक है भाई, ले। क्या है? सॉरी सॉरी, ये पैक वेग नहीं चाहिए यहाँ पे। पैक का डेफिनेशन नहीं पूछा मैंने, मैंने पूछा अल्कोहल पॉइजनिंग। सर अगर अल्कोहल पॉइजनिंग हो रहा है तो अल्कोहल पीना पड़ेगा ना पहले, तो पैक तो बनाने से ही स्टार्ट होगा। लॉजिक है, लॉजिक है भाई, मेरे को आता है भाई। आता है। ठीक है ठीक है, चलो कंटिन्यू। ठीक है सर, अल्कोहल पॉइजनिंग फर्स्ट स्टेज है सर। इसमें आदमी अभी दारू पी लिया तो उसको चढ़ने लग जाएगी, तो उसमें इतनी ताकत आ जाएगी ना कि वो खुद को कॉलेज का डॉन समझने लग जाएगा। सेकेंड स्टेज में हो जाएगा कन्फ्यूजन, तो अभी चढ़ तो गई है, तो बंदा अपने रूममेट को ही बंदी समझ लेगा सर।
अभी थर्ड स्टेज क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन कुछ होता है या नहीं? अरे सर वही बता रहा था मैं आपको। नहीं 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 तेरे को आता है? हाँ आता है। बताओ सर, फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, सेकंड इज स्टेज ऑफ कंफ्यूजन, थर्ड इज स्टेज ऑफ कोमा एंड सर फोर्थ इज छपक छपक डेथ। अरे वाह क्या बात है, खाते सा थोड़ा खा भाई। तू मिल बार सच में खाएगा क्या भाई? अरे भाई तेरा इंजुरी रिपोर्ट मैं खुद लिखूंगा भाई, तू बाहर मिले। नीचे रख। अरे सर समझो ना थोड़ा, सेल्फ डिफेंस के लिए रखना पड़ता है। नीचे मार्क चाहिए? नहीं ठीक है सर, सॉरी सर। ठीक है अब आईपीटी पूछूंगा। ठीक है ये तो अरे हो जाएगा ना। हां ये किया है। ठीक है ठीक है 44 ये तो वो ये छोड़ के कुछ भी पूछ लो। हाँ हाँ सर अगला पूछ। ये एक नहीं 87 नहीं सर नहीं बता। तुमने तो बोला था ये छुड़ के कुछ भी पूछो। अगला पूछो वो ना, अगला पूछो। हाँ G20 ये वो अरे वो कल नहीं कल वो तो नहीं, वो तो नहीं, 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 नहीं है छोड़ दो। 196 नहीं सर। अरे ये तो इम्पोर्टेंट है। अरे सर आप कुछ रिलेटेबल पूछो ना तभी तो हम बता पाएंगे। ये क्या पूछ रहे हो आप? रिलेटेबल? हाँ सर ठीक है। मर्डर बता। 300 पनिशमेंट फॉर मर्डर? 302 आन दो आन दो। अटेम्प्ट टू मर्डर? 307 ब्लड अल्कोहल लेवल परमिसेबल फॉर ड्राइविंग? 30 mg/L। अरे ये तो टॉपर है तू, 7-7 से कैसे? हो जाता है सर कभी कभी, क्या कर सकते हैं। ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन, अगर वो आंसर तुमने दे दिया तो तुम दोनों को पास कर दूंगा। भाई, दीले, भाई, दीले, भाई। तो बता दारू पी के पब्लिक प्लेस पे वायलेंस करने पे कौन से आईपीसी के अंडर पनिशमेंट होती है? Congrats. पर तुम लोगों को ये क्वेश्चन पता कैसे? ये तो किसी को नहीं आता था सर, ये दो दिन अंदर था ना, पीके रंकाला पे नाच रहा था भाई। ये सब बातें नहीं बताते भाई। तुम लोग पास हो जाओ ना, इतनी बड़ी बात है, निकलो। एंड नाउ द रिजल्ट्स आर आउट। ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैव क्लियर द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, सो प्लीज वेलकम विद अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू आर newly doctors ko seedha chala do seedhe ko teda bana do rote ko jhat se hasa do haste ko phat se rula do bhaiyo main bhi pass ho gaya।